आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। दो दिन पहले देसी शराब की दुकान पर आपस में वाद विवाद होने के चलते कुख्यात बदमाश शुभम उर्फ पीयू ने अपने ही साथी पर गोली चलाकर प्राणघातक हमला कर दिया। इस पर नीलगंगा पुलिस ने प्राणघातक हमला के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी। उज्जैन क्राइम ब्रांच और नीलगंगा पुलिस की सक्रियता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। बताया जाता है पूर्व में भी कई आपराधिक रिकॉर्ड गिरफ्तार आरोपी के रिकॉर्ड है। मात्र 48 घंटे के अंदर कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार करने में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की गई। इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण पुरील, क्राइम टीम प्रभारी संजय यादव, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण उइके, प्रधान आरक्षक राहुल सिंह कुशवाहा, दिग्विजय सिंह चौहान, आरक्षक बलराम गुर्जर, कपिल राठौर, अंकित चौहान, सचिन जाट, अरुण यादव, वीर सिंह यादव की रही। ये दो दिन पूर्व थाना नीलगंगा क्षेत्र में कवेलू कारखाने के सामने एक युवक को गोली लगी थी और उसको यहाँ भर्ती कराया गया था, जिस पर से थाने पे अपराध पंजीबद्ध किया है। युवक ने बताया था कि वो अपने साथी शुभम के साथ वहाँ बैठ के शराब पी रहा था और उस दौरान शुभम ने मजाक में उस पर गोली चला दी। उसके बाद से हम इस युवक को, ये आरोपी जो शुभम है, इसको तलाश कर रहे थे। आज हमको खबर मिली कि ये धर्ममंडला के पास एक बंद फैक्ट्री के अंदर ये दो दिन से छुपा हुआ है। तो आज सूचना पर हम लोग वहाँ गए थे और पुलिस को देख के ये युवक भागा और खदानों की तरफ भागा था और वहाँ पुलिस का पीछा करते हुए ये खाई में कूद गया था, जहाँ से ये घायल हुआ है, जिसको उपचार के लिए हम अस्पताल लाए। हाकम सिंह की रिपोर्ट।